वाओ, ये डायनासोर फॉसिल तो कमाल का है ना। मुझे तो इस म्यूजियम में बहुत मजा आ रहा है। ये कचरा कलेक्शन है, हड्डियों का ऐसा ढेर जो पत्थर बन गया है। मैं आपका मतलब समझ रही हूँ। जब मेरे जैसी जीती जागती लड़की साथ हो, फिर इन हड्डियों में भला क्या मजा आएगा। नहीं, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मेरा मतलब है कि डायनासोर का असली मजा तभी है जब वो जिंदा हो। मगर मैंने तो पढ़ा है कि डायनासोर की हड्डियों से हम इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मैं तुम्हें इतना सोचने के पैसे नहीं देता। अगर इतिहास में किसी को पढ़ा जाएगा तो मैं हूँ, मेरा डायनासोर किंगडम है। खैर, यहाँ हम इतिहास भूगोल की बातें करने नहीं आए हैं। इस म्यूजियम के अंदर कहीं पर वो डायनोमॉन रखा है जिसकी हाल ही में खोज हुई है, हमें उसे ही चुराना है। ये एम्बर काफी बड़ा है। जरा सोचो, इतनी बड़ी चीज एक साइज़मोसॉरस के पेट में छिपी थी। अगर हमें वो एम्बर डायनोमॉन मिल गया तो हमें पूरे आइलैंड हेडक्वार्टर के लिए पावर मिल जाएगी ना सर। बिल्कुल, इसमें वो बेशकीमती चीज रखी है और हमें उसे ही ढूंढना है। मगर हम उसे चुराएंगे कैसे? सबसे पहले तो तुम इस नक्शे को सीधे पकड़ो। देखो, आज हमें काफी काम करना है, तो क्यों ना पहले हम कुछ खा भी ले, फिर आगे काम करें, क्या कहते हो? खाने पीने की बात भूलकर तुम अभी अपने मिशन पर ध्यान दोगे क्या? काम चोर, वैसे बात तो सही है, अगर दो चार वड़ा पाव खा ले तो अच्छा रहेगा। ओह, सही कहा, मैं भी आती हूँ। ये क्या, ये तो जिंदा है। इसे छोड़ो, चलो डायनामोन ढूंढते हैं, शायद वो म्यूजियम के दूसरे किनारे पर हो। सही वक्त पर आई हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। हेलो, अच्छा किया जो तुम दोनों भी आ गई। हेलो आंटी, मुझे मालूम है कि तुम लोगों को भी भूख लगी होगी। मैक्स, जाओ हमारे खास मेहमान को ले आओ। ठीक है। रेक्स, तुम अंदर हो? हाँ? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चल रहे हो ना? चलता हूँ। क्या हो गया तुम्हें, इतने शांत शांत क्यों? कमऑन, आज तुम्हारा बर्थडे है रेक्स। आज मेरा बर्थडे है तो इसमें कौन सी खास बात है मैक्स? ये वो दिन है जब मैं डैड को मिला था, ये मेरा असली बर्थडे नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम आज के दिन उस शख्स से मिले थे जिसे तुम डैड कहते हो, इसलिए ये दिन बड़ा एक खास दिन है रेक्स। शायद अपने बर्थडे पर हम सेलिब्रेट करते हैं, तुम भी वही करोगे रेक्स। अब जल्दी चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है। फॉसिल किससे जुड़ा होता है? डायनासोर की हड्डियों से। हम हैं फॉसिल, ढूंढने वाले दोस्त, डायनो डॉक्टर भी हैं हम दोस्त। जंगल, नदी, रेत और समंदर, घूमे जगह जगह हम मत। अरे नहीं, तुम आ गए रेक्स, हमारा बर्थडे बॉय क्या कर रहा है? हाय डैड, हैप्पी बर्थडे 12 साल के बच्चे। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। चलो विश करो। ये है तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी फिलिंग विद लेमन आइसिंग। मेरा भी फेवरेट है। अब ये लो, मेरी और रीस की तरफ से तुम्हारे लिए। ये मेरी तरफ से। ये मेरी और डॉक्टर टेलर की तरफ से। आप लोगों ने ये सब क्यों किया, आप सबका शुक्रिया। हाँ डैड, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें आज वो तोहफा नहीं दे पा रहा हूँ जो देना चाहता था, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ बेटे। क्या लाए हैं? तोहफा पहुँच गया है स्पाइक। हाँ हाँ पहुँच गया है, लो ये लो रेक्स। ये तोहफा तो बहुत सुंदर है, थैंक्स डैड। बिना देखे, अरे खोलो ना।
लड़कियों के बीच पॉपुलर होने के 100 तरीके। भले ही आप फॉसिल्स की तलाश में रहने वाले डायनासोर के दीवाने हो। अच्छी किताब है ना? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब इस किताब ने मुझे बदल डाला था। अच्छी तरह से पढ़ लो इसे, तुम भी बदल जाओगे। तुमने एक किताब पढ़ी थी? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना था। अब समझा कि तुम लड़कियों के बीच इतने पॉपुलर कैसे थे। ये तोहफा कमाल का है ना रेक्स? जी हाँ मैक्स, उसके बाद तुम भी इसे पढ़ लेना, फिर मैं भी इसे पढ़ लूँगा। अच्छा देखो किचन में कुछ जल रहा है। अरे हाँ, चिकन रखा था। हाँ। पहले बताओ कि तुम्हारे डैड ने ऐसा क्यों कहा कि मैं वो तोहफा नहीं दे पाया जो देना चाहता था? हाँ, वो क्या कह रहे थे? अगर तुम इस किताब को पढ़ लोगे तो मैं भी नहीं जानता, शायद वो मुझे कुछ खास देना चाहते हैं पर उसके बारे में कभी बताया नहीं। और तब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम कहाँ हो। अच्छा ये बताओ डॉक्टर ओवन, क्या ये बात सच है कि एक साइजमासोरस स्केलेटन के पेट में से एक बड़ा सा एम्बर मिला है? तुम इसकी बात कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा है। ये तो कमाल का नमूना है। तुम्हें भी लगा ना, ये शायद आज तक की सबसे बड़ी खोज है। हमने भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाँ, सिक्योरिटी तो बढ़ानी ही चाहिए। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए तुम? ये तो अल्फा गैंग है। मुझे छोड़ दो बदमाशों। नहीं छोड़ दो। ये बात है, हमारा कारनामा देखने वाले दर्शक भी हैं। हाँ, और तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले भी। बको मत, पहले ये सुन लो कि जैसे ही वो डायनामाउंट हमारे हाथ लगा तुम खाली स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं देख पाओगे। बेचारे डॉक्टर ओवन, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो कुछ डायनो वायनो चुराने की बात तो कह रहा था। उसने शायद डायमंड कहा था। वो वहाँ से एम्बर चुराने आए हैं। ये टूट क्यों नहीं रहा? अगर ये नहीं खुलेगा तो मुझे मेरा माल कैसे मिलेगा? वो नहीं खुलेगा क्योंकि उसे मैंने डेरेलियम एक्रेलिक से बनाया है और वो बड़े बड़े बम से भी नहीं टूटेगा। वो सिर्फ अपनी चाबी से ही खुलता है। तो तुम सोच क्या रहे हो, इसकी चाबी दे दो जल्दी से। मगर तुम एम्बर का करोगे क्या? अब तुम मेरे ही कब्जे में हो इसलिए बता देता हूँ। इतने बड़े एम्बर को डायनामाउंट भी कहते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा पावर पैदा की जा सकती है। तुम उतनी पावर का क्या करोगे? बेवकूफ, हम दुनिया पर राज करेंगे। और क्या तुम टीवी नहीं देखते? अब ये बताओ कि तुम चाबी दे रहे हो या हम कुछ और करें? क्या हुआ? असल में मैं तुम्हारी खूबसूरती देखकर हैरान हूँ। क्या? मेरी बात सुनो, शायद कहना नहीं चाहिए पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे दिल से मत खेलो प्लीज। ये नाटक कर रहा है क्योंकि इसे चाबी नहीं देनी है। तुम खेलना चाहते हो, लो इससे खेलो। मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। उन्हें कहिए जल्दी पहुँच जाए। ओह, एक डायनासोर नजर आया है। चलो अब हम डी लैब में चलते हैं। चलिए। अच्छा हुआ कि मैंने वक्त पर चिकन उतार लिया। ओह, ये क्या चक्कर है, सबके सब कहाँ गायब हो गए? कमाल है। अच्छा होगा कि तुम अपनी जान बचाने के लिए। ये तुम्हें एक झटके में निगल जाएगा। ओह, अगर ये मुझे खा भी जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या? तुम्हारे दांत तो सड़ रहे हैं। हाँ, ये दांत पूरी तरह सड़ चुका है। तुम आखिर खाते क्या हो दोस्त? किसी को डायनासोर के इतने करीब जाते पहले कभी नहीं देखा। तुम बहादुरी देखना चाहती हो तो ये देखो। आओ डेरी, मैं तुम्हारा दांत निकाल लेता हूँ। ये बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। एक ही बात है, हम आपको उसका खाना बनने नहीं देंगे। हम डायनामोंड की तलाश में चले क्या? और सही कहा, मैं भूल ही गया था। पर उसे अपनी जान की परवाह नहीं है तो फिर हम चाबी कैसे लेंगे? तुम इन फॉसिल्स को कुछ मत करना। ये स्केलेटन ही हमारे पास वो जरिया है जिनसे मैं डायनासोर के बारे में कुछ पता लगा सकता हूँ। इन्हें नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। नहीं, तुम फॉसिल्स को मत छूना। समझ गया, चुपचाप चाबी दे दो वरना टेरी फॉसिल्स को बर्बाद कर देगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रुक जाओ, नहीं फॉसिल्स को मत तोड़ो। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ मगर उसे जल्दी से रोक लो। बहुत देर कर दी डॉक्टर, अगर पहले ही हमारी बात मान लेते तो हमें इतना हंगामा तो नहीं करना पड़ता ना। टेरी, अब तोड़ फोड़ नहीं। टेरी, मैंने तुम्हें मना किया ना? अरे नहीं, साइज़मोसॉरस को नहीं। वो डायनासोर अभी न्यूयॉर्क सिटी में है। चलो चलें। तैयार हो?
अजीब बात है। क्या हुआ मैक्स? हमें डायनासोर का सिग्नल नहीं मिल रहा है। हाँ? तुम्हारा मतलब वो गायब हो गए? मुझे इसी पल का इंतजार था, अब ये हमारा है। ध्यान से सुनो, ये नई मुसीबत, हमने पूरी इमारत को घेर लिया है। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। नहीं दिखा देते हम क्या बला है। Go, Spinosaurus! Go, Zygenia! Go, Tyrannosaurus! उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि बाहर किसे आना है। कैसे जाएंगे? उसे वहाँ किसने पार्क किया था? दूसरी जगह पार्किंग के पैसे लगते हैं। मुझे तो इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। कोई फायदा नहीं, डैड जवाब नहीं दे रहे हैं। जो डायनासोर नजर आया और गायब हो गया वो नया नहीं था। पर ये कैसे कह सकती हो? तुम्हारे इस डायनो होल्डर से पता लगा है मैक्स। मैंने पिछले ही हफ्ते इसे ऐसे बनाया था कि ये सिर्फ नया ही नहीं पुराने डायनासोर का भी पता लगा ले, ताकि हम उन पर नजर रख सके। तो ये उस डायनासोर का कार्ड है जिसे हमने पहले कभी बचाया था? हो सकता है, मगर वो अल्फा गैंग का डायनासोर भी हो सकता है। मेरे डैड उनके कब्जे में है। तुम फिक्र मत करो रेक्स, अल्फा गैंग वाले तुम्हारे डैड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ शायद। फिर आ गया, मैं आ गया। डैड आप कहाँ है? इस तरफ रेक्स। डैड आप ठीक तो है ना? मैं आपको खोल देता हूँ। मैं ठीक हूँ, वो अल्फा गैंग वाले एम्बर लेकर भाग निकले हैं। फिक्र मत कीजिए, हम उसे वापस ले आएंगे। देखो मुझे क्या मिला, ये कार्ड। हाँ, ये तो साइज़मोसॉरस की फोटो वाला एक मूव कार्ड लग रहा है। सिर पर घास वाली कलगी है पेरिस। कमाल है, मतलब जब साइज़मोसॉरस का स्केलेटन टूटा तब वो एक कार्ड बन गया। जबरदस्त, ये तो जादू है। अंकल आप अल्फा गैंग को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? आप बता सकते हैं वो किस तरफ गए हैं ऑफिसर? वो लोग सेंट्रल पार्क की ओर गए हैं एक पुलिस कार में। तैयार हो जाओ बच्चों, वो अब नहीं बचेंगे। ओवन अंकल, शहर के अंदर इतना तेज चलाना ठीक है क्या? तुम फिक्र मत करो, जब मैं जवान था तब अक्सर शहर की सड़कों पर इसी तरह घूमा करता था। वाह, तुम्हारे डैड तो कमाल के है ना रेक्स? वो तो है। ये पीली कन्वर्टेबल मेरी पसंदीदा कार है। अब रुके क्यों हैं? लगता है आगे ट्रैफिक जाम है। वो हमें रोक नहीं सकता। जाओ टेरी, रास्ता साफ करो, जो भी सामने आए खत्म कर दो। एक नई मुसीबत। मैं हूँ ना, आओ मेरे साथ, चलो जल्दी। वो रहे वहाँ। मगर हम इस ट्रैफिक को कैसे पार करें? बड़ा आसान काम है। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये मेरी स्टाइल है बच्चों। कोई बताएगा हमें और कितनी दूर जाना है? ज्यादा दूर नहीं जाना होगा, हम एक टापू पर जो है। मैंने सेठ से बात की है, वो हमें लेने आ रहा है। उसने कहा है कि पानी में एक औरत की मूर्ति है, उसके हाथ में एक आइसक्रीम कोन है। हाथ में आइसक्रीम कोन, फिर तो वो मेरे जैसी ही होगी। पहले उनसे बचो जो हमारे पीछे है। सब तुम नहीं बच सकते हैं बच्चों। पहले हमें पकड़ के तो दिखाओ। अभी आए। अगर कोई मुझे चैलेंज करे तो मेरा जोश बढ़ जाता है। अब तुम देखो, चलो चले। आ जाओ बच्चों, वक्त बहुत कम है। हमें उन्हें पकड़ना है। रेक्स के डैड तो सबसे अलग पैलियंटोलॉजिस्ट है। बिल्कुल सही कहा। कितने सुंदर है। तैयार हो जाओ जॉन। और एश तुम भी। तुम भी पेरिस, हम तुम्हारे भरोसे हैं। डाइनो स्मैश, राइजर एडॉप्ट, हमला करो।
हल्ला बोल। डायनो गो पैरासोरोलिफस ब्लू। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो कमाल हो गया। सोचा भी नहीं था कि कभी कोई जिंदा डायनासोर देखूंगा। कहीं ये सपना तो नहीं? और तेज निकम्मो, पीछा करो। रुकिए डैड, मैं अभी आया। मैक्स, क्या वो देखो, हमें उस आइसक्रीम कोन तक पहुंचना है, लेकिन वो तो काफी ऊपर है। डॉक्टर जी, मुझे नहीं लगता हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा। सेठ हमें यहाँ भी देख लेगा। हाँ, आसानी से। हमें वहाँ तक जाना है तो जाना है। उसके अंदर लिफ्ट तो होगी ही ना। बस तुम्हारा खेल खत्म। तुम यहाँ तक भी पहुँच गए। रेक्स डैड, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस पिद्दी के पापा हो? बिल्कुल हूँ, और आज मेरे प्यारे बेटे रेक्स को उसकी मम्मी भी मिल जाएगी। इसकी मम्मी? दिमाग खराब है? मुझे बच्चे पसंद नहीं। अर्सला, मुझसे शादी करोगी? ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं आप इसी वजह से तो इनका पीछा नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था कि तुम मुझे पसंद आई हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता, मैं क्या कहूँ? मैं बताता हूँ कि क्या कहना चाहिए। कह दो एन ओ नो। हाँ अर्सला, मुझे भी यही सही लग रहा है। तुम लोग चुप रहोगे? फैसला तो मुझे ही करना है ना। हाँ, मत करना अर्सला। तुम तीनों प्यार के बारे में जानते ही क्या हो। मुझे पहली बार किसी ने प्रपोज किया है। और सलामत भूलो तुम कौन हो। मैं अल्फा गैंग की मेंबर हूँ। सुनो, तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, मगर तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। हमारी जोड़ी नहीं बन सकती। जोड़ी नहीं बन सकती? ऐसा क्या तो तबाही होगी। इन्होंने जो एम्बर चुराया उसका क्या? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डॉक्टर जी वो हमें शादी के तोहफे में दे देंगे। समझ गए बेटे? मेरे भाई, तुम किस दुनिया से आए हो? शादी के दिन खाना चखने के लिए मुझे जरूर बुलाना। किसी की शादी नहीं होने वाली। ये तो साइस्मोसॉरस है। इससे बचना तो बहुत मुश्किल है। हमारी सवारी आ गई। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये अंगूठी तो पहन लो। अपने पास ही रखो। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। हमारी शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, पर मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। ओ अर्सला। मैंने आपको पकड़ लिया डैड। आई एम सॉरी रेक्स, मैंने सोच लिया था कि इस साल तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट में एक मम्मी दूंगा, मगर फिर से मेरी कोशिश बेकार गई बेटे। उसे भूल जाइए, पहले ऊपर तो आइए। हाथ फिसल रहा है। इसे कहते हैं किसी की मदद के लिए अपनी गर्दन फंसाना। यही वो जगह है जहाँ आपको रेक्स मिला था? वही जगह है। आज से 12 साल पहले की बात है। मैंने इसे उठाया, घर ले गया और ये अपने डैड का राजा बेटा बन गया। लेकिन मेरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए रेक्स को कभी मम्मी का प्यार नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लगता था। अपने काम के सिलसिले में मैं दुनिया भर में घूमता रहता था, इसलिए इसे मैंने तुम्हारे घर भेज दिया ताकि इसे एक परिवार का प्यार मिल जाए। मैक्स, और इसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें डायनासोर ने बचाया था। दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे डायनासोर को बचाना होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लड़कियों के बीच पॉपुलर होने के 100 तरीके, भले ही आप फॉसिल की तलाश में रहने वाले डायनासोर के दीवाने हो, इसमें लिखा है कि डायनासोर की हड्डी से बनी अंगूठी से प्रपोज करो तो कोई मना नहीं करेगी। फिर से कोशिश करूं क्या? अभी नहीं, चलो फिर रिक्स की बर्थडे पार्टी में चलते हैं। हाँ, 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 हाँ,
किया। अब मैं डायनामोन को एनर्जाइज करता हूँ और देखता हूँ ये क्या कर सकता है। मैंने इसे पाने के लिए क्या नहीं किया, फिर भी इसे पूरी पावर नहीं मिल रही। मुझे इसके लिए और एनर्जी सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। मुझे डायनासोर किंगडम बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। एक बार मेरी टाइम मशीन काम करने लगे फिर ये दुनिया नहीं बचने वाली।